हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जो इंतज़ार है काफ़ी टाइम से करा जा रहा है कि कब उसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आएगा। तो उसका पोस्ट कोड है 829 JEE इलेक्ट्रिकल, और ये पोस्टें जो थी वो एडवर्टाइज़ हुई थी 2020 में, और 8 अगस्त 2021 को इसका एग्ज़ाम हो गया था। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज थी वो 156 थी, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी अगर हम जूनियर इंजीनियर अदर मैकेनिकल सिविल से कंपेयर करें। और इससे और ये थी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए और धर्मशाला बोर्ड के लिए इकट्ठी यहाँ पे वैकेंसीज आई थी। और इसके बाद जो था इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट होने के बाद इसकी वैल्यूएशन हो गई थी। तो अब इसके फाइनल रिज़ल्ट का जो है वो वेट करा जा रहा है, क्योंकि अभी अगर आपने देखा होगा तो जो ऊर्जा मंत्री हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने घोषणा कर दी है 1840 नए वैकेंसीज़ की, जिसमें कि टीमेट, लाइनमैन, जूनियर इंजीनियर व असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ रहेगी। तो जितने जल्दी पुराने जो रिज़ल्ट हैं वो क्लियर होंगे उतने जल्दी नई वैकेंसीज़ भी आती हैं। तो अब देखने का वाली बात होगी, क्योंकि मांग करी जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करा जाए। और अगर आपने देखा होगा तो जो पिछला पोस्ट कोड था उसमें भी काफ़ी वैकेंसीज जो थी वो खाली रह गई थी, उसके बाद वेटिंग पैनल से वहाँ पे कैंडिडेट लिए गए थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी इसको क्लियर करा जाता है। और भी काफ़ी ऐसे रिज़ल्ट हैं जिनका काफ़ी टाइम से वेट करा जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे रिज़ल्ट को कम्बाइंड देखने वाले हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि अभी जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर की आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी और बहुत जल्दी ये वैकेंसीज़ हो जाएंगी। उम्मीद है इलेक्शन से पहले इनके एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी कोई नई अपडेट मेरे पास आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।